मुझ पर की दुआए ज़ैनब के पिसर मार गए कर्बला में ज़ैनब ये दुआ करती थी एक दुआ में ठहरो सर ज़ैनब तेरी दाछी मिलने वालो ठहरो सर ज़ैनब तेरी दाछी मिलने वालो तस्वीर की लिपटी हुई आयत है किसाने ज़ैनब ये दुआ करती एक दुआ में या रब हो मेरे लाल फिदा कर्बला में दस्ते बला में गुम अली अकबर की लाश है फरजंद फातिमा को पिसर की तलाश है दावे जिगर को नापने गम की खराश है संगे अलंत शीशे दिल पास पास संगे अलंत शीशे दिल पास पास बाल को वश है हमदर्द मंद है पिसर के घर में तराए पिसर के घर में अल्लाह जोश बात में फरजंद गुलजार गम से सुपीद हो गई ऋषे खजाबदार मिसले कमा खमीदा है शाहे फलक खास खोए हुए पिसर के अलफ में है बेकरार घोड़े की बाग हाथ से हर बार गिरती है सूरज जवान मेरे गिरा दो सूरज जवान मेरे चिल्लाते हैं कि बाप के प्यारे किधर गए ऐ नूरे चश्मा को के तारे किधर गए ऐ मेरी जिंदगी के सारे किधर गए पहुंचा के बाद पहुंचा के मुझको गोर किनारे किधर गए अरे अंधेर है अगर ना तुम्हें पाएगा पिधर आओगे आदत आगे जब तो चलाएगा पिधर आवाज होगे जब तो लूटे हो किस लिए अली अकबर जवाब दो अरे सत्य हो बाप है मेरे दिल भर जवाब दो ऐ मेरे हम शबी है पैगंबर जवाब दो तुमसे बिछड़ के जीत हो क्यों कर जवाब दो अरे जो राह है तुम्हारी वही अपनी राह है लाजिम है रहम बाती लाजिम है रहम बाती किसका पड़े हो तुम बताओ पिदर निसार अरे आवाज को हमको अपनी सुनाओ पिदर निसार हम गिर पड़े आके उठाओ पिदर निसार छाती से तुम पिदर को लगाओ पिदर निसार रुखसत है अपने घर को जरा देखभाल लो नज़्दीक पाँव में अरे नज़्दीक पाँव में किससे मैं पूछ कौन तुम्हारा पता बताए ये बेकसो गरीब मुसाफिर किधर को जाए किस्मत में मेरी ठोकरें लिखी हाय हाय इस
जिंदगी से काश खुदा हमको भी उठाए। अंधेर है के गोद के पालों से छूट गए, मंजिल पे आके काबिल मंजिल पे आके काबिल अब हाथ भी पकड़ के उठाता नहीं कोई, रोने पे मेरे रहम दिखाता नहीं कोई, यूसुफ को मेरे शक्ल दिखाता नहीं कोई, बेटा तुम्हारी लाज बताता नहीं कोई, हालत हमारी काय को देखिया आपने, तुमको ख्याल होगा खबर ली नवार, तुमको ख्याल होगा करबला मेरा दिल भर किधर गया, ऐ जश्न नए नवा मेरा अनवर किधर गया, मख्तर से हम शबी है पैगंबर किधर गया, ऐ नहर अल कमाल अकबर किधर गया, निकला हूँ मैं शबी है सर की तलाश में, बदला मुझे मेरे दूसरे की अक्ता की लाश, बदला मुझे मेरी अक्ता की लाश, ऐसा जो जुल्म बानू के दिल भर को क्या किया, बेकस को तश्न काम को बेपर को क्या किया, ए जालिमो शबी है पैगंबर को क्या किया, अरे मिलता नहीं मेरे अकबर को क्या किया, लिल्ला दो पता के भटकते हैं राह में, शायद गिरा दिया मेरे यूसुफ को शायद गिरा दिया ये कहे कि हर तरफ गए बातश में अश्कबार, लेकिन मिला ना बाशे फर्जंद नामदार, खैने की सिमत आए जो रोते बहाल जार, चिल्लाई सर को पीट के फिजा जिगर फिगा, या शाम में थी आने को थी फौज शाम में, मिलती नहीं है जैनब पे मिलती नहीं है जैनब पे सभी दिया है जोड़ी पे या शाह बहरों पर, अरे क्या जानिए किधर गई ज़ैनब पर नसर, देख आई हूँ मैं खैमे में या शाह नामवर, गश्ती अभी तो फर्ज कलक से वो नौ अगर, प्यारा है किस तरह यही लब्बे कलाम था जरदार चारी जबा प्यार ये सुन के खास लौटे चले सरवरे जमा, अरे जा पहुंचे लाशे अली अकबर पे ना कहा, देखा के बिनते फातिमा बातश में खूब पिशा, करती है लाशे अली अकबर पे मजलूम पे फुगा, ना दोष पर निदा है ना रुख पे निकाब है, कानों के बुंदे हिलते कानों के बुंदे हिलते चिल्लाती है कि गोद का पाला किधर गया, आँखों का नूर घर का उलगाला किधर गया, चश्मो चराग सैयदे वाला किधर गया, मेरा वो लम्बे गुल के सो वाला किधर गया, दो बेटे खो के पाया था इस नौ निहार को, बर्छी से किसने खत्म किया बर्छी से किसने खत्म किया, ज़ैनब का हाल देख के रोए शहनाम, खाह के पास आके किया इस तरह कलाम, दिल को संभालो आपके यह सब्र का मुकाम, जिंदा है ए बहन भी शब्बीर तश्न काम, तुम जाओ उठाता हूँ मैं अली अकबर की लाश को, खैमे में लेके आता हूँ खैमे में लेके आता हूँ ये सुन के खैमे में गई ज़ैनब चश्मे नम, पहुंचे पिसर के पास इधर सरवरे उमम, पुश्ते फरश पे लाश को रख के बसद अलम, रोते हुए चले तरफ खैमे हरम,
गर्दन में बात की अली अकबर के हाथ है आपा खाने वैसा और आपा खाने पर्दा खैने का फिजा ने एक बार लाए पिसर को घर में शहन शाह नामदार जेरे अलम खड़ा हुआ अकबर करा हुआ और गिर्द पीटने लगी राने जिगर सिगार एक हश्र था किसी को ना इस वक्त होश था घोड़ा भी रो रहा था घोड़ा भी रो रहा था ये देखा रोई जो माँ तो खोल दी अकबर ने चश्मे नम आहिस्ता ये कहा कि बिछड़ते हैं तुम से हम देखा तुम्हें बस अब कोई बाकी रहा ना गम दूध अपना जल्द बख दो वख्वा बहुत है कम अम्मा बलाएं लेके ना तुम खजल करो तफी जो हुई कहने लगी ये कूट के छाती वो दिल सिगार कुर्बान जाऊं मैं मेरा दूध भी निसार तफसीर तुमसे क्या हुई ऐ मेरे गुलजार मैं बल्कि खुद कसूर पे अपने हुशर्मसार तेगों में आन करना तुम्हारी सिफर हुई जब लाज घर में आई तो जब लाज घर में आई तो बानू कुछ और कहने ना पाई बसत मलाल नागा गैर हो गया उस नौजवान कहा झुक झुक के माँ पुकारी के मरते हो मेरे लाल आगोश में किया अली अकबर ने इंतकाल दिल सब ने थाम के सुए जैनब निगाह की मूरख के मुंह पे बैठे के बाद मूरख के मुंह पे बैठे के बाद निगाह की मम्मी चंद गुजारिशात। जैसा कि आपको मालूम है आज से एक घंटे का डिफरेंस हुआ है, इस अदबार से स्लाइटली से चेंजेस प्रोग्राम में हुई है। ठीक शाम 7:30 बजे नमाज मगरबैन होगी, फौरन उसके बाद हदीस किस्सा सोह सलाम और मरसिया और क़िबला मौलाना मुश्ताक हुसैन शाहदी साहब जो कराची पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं इन अशरे की मजलिसों से खताब करने के लिए, ठीक शाम 8:30 बजे जेबी मेंबर होंगे, 9:30 बजे नौहा और मातम, 10 बजे तबरुक और ज़ियारत होगी। आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वक्त की पाबंदी के सिलसिले में मासूम की इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। हम आपकी सहूलत के लिए ही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रोग्राम 10 बजे ख़त्म हो जाए, ताकि क्योंकि स्कूल वीकडेज में बच्चों के स्कूल होते हैं, आप लोगों को दोबारा सुबह जॉबों पे जाना होता है, तो इस सिलसिले में बराए मेहरबानी हमारे साथ ताउन करें, कोशिश करें कि जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि ये हमारा प्रोग्राम वक्त मुकर्रा पर ख़त्म हो जाए। दूसरी गुजारिश, सामने पार्किंग लॉट में जो कि रेस्टोरेंट की पार्किंग है, उन्होंने वहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते, उसने कल वार्निंग दी है कि अगर वहाँ पे किसी ने भी पार्किंग की हमारे यहाँ के लोगों को तो वो टो करा देंगे। जिन मोमिन ने वहाँ पे पार्किंग की है उनसे दरख्वास्त है कि सामने के पार्किंग लॉट या मासूम की पार्किंग लॉट में अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो सड़कों पे काफ़ी जगह है, वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करें। कल से कोई भी मोमिन सामने जो रेस्टोरेंट का पार्किंग लॉट है, प्लीज़ वहाँ पे आप अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क ना करें। और दूसरे हमारे पार्किंग लॉट में हमारे वॉलेंटियर्स के साथ आपसे दरख्वास्त है कि मुकम्मल तौर पर ताउन करें इंतज़ामी उमूर में और पार्किंग के सिलसिले में। आपसे दरख्वास्त है कि मासूम को कोशिश करें कि क्लीन रखने में इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जब मजलिस ख़त्म हो स्पेशली वीक डेज में कोशिश करें कि हमारे नेबर्स
किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना हो, जो भी गार्बेज वो बैग्स वगैरह हैं, मासूम ने इंतजामिया ने यहाँ पे जगह जगह ट्रैश बॉक्स रखे हुए हैं, अपने अपने ट्रैश उसमें डाल के जाएं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आखिरी ऐलान, जिन लोगों ने मोमिनीन ने अपनी मेंबरशिप फी नहीं दी है, सामने मेंबरशिप बूथ लगा हुआ है, वहां पे सेक्रेटरी जनाब सैयद अली रजा साहब और मेंबरशिप कमेटी के मेंबर जनाब सैयद गजनफर अली साहब मौजूद हैं, अपनी अपनी मेंबरशिप फी उन तक पहुंचा दें। जिन मोमिनीन को मासूम के रेगुलरली न्यूज़लेटर नहीं मिल रहे हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो अपने अपने नाम मासूम इंतजामिया तक दे दें और अपने अपने अतियात इस मुबारक महीने में दिल खोल कर ज्यादा से ज्यादा मासूम की इंतजामिया तक पहुंचाएं। अब मैं जनाब सैयद अली रजा साहब जो मासूम स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा वो चंद ऐलान आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सलवात जिन साहब ने भी होंडा कार्ड वाइट सामने की पार्किंग लॉट में पार्क किया है, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज वहां से मूव कर लें, वरना वो ओनर जो है रेस्टोरेंट के वो आपकी गाड़ी टो करा देंगे। On behalf of Madrasa Masoom, I would like to update you regarding Masoom School. I will take only a few minutes. Madrasa Masoom is located at the lower level of this building. We have about 55 to 60 students, 5 regular teachers and some part-time teachers. We need more regular teacher for the school. If you are interested, please feel free to contact us. At present, the school has 8 classrooms, 4 for boys and 4 for the girls. All classrooms are equipped with teacher's desk, file cabinet, eraser board, tables and chairs, etc. There are 2 multi-purpose hall rooms for activities such as lectures, seminars, games, lunch for after school for children, majalises, religious programs, and very soon video presentation. The school also has a library. We need books and other religious material such as audio videotapes, disc CDs, and computers. Please donate whatever things you can so that we can set up the library for the children. At present, we have 1 school van that picks up children from Devon area with full capacity. For those parents who cannot bring their children to school because they go to work, there are still a lot of children in the same situation. They need to be picked up. If someone can donate a safe, good running condition van so that we may be able to pick up those children. School hours. School is open every Sunday from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. except in the month of Ramadan, Muharram and Safar. During the month of Muharram and Safar, we have arranged special Muharram programs for boys and girls in the school from 8 p.m. to 9 p.m. until 8th of Muharram. And after that, on every weekend during the majalises in Masoom. In this special program, teachers talk about various Islamic topics, especially about Imam Hussein, his family, his companions, and about the great tragedy of Karbala. They also give them quiz sheets as a homework. We
We also are planning to show videotapes of ziyarat, majalises and other religious programs to the children. If any community member has these type of tapes, please donate us to Madrasa Masoom. We'll be very grateful. We also need a decent sized TV so that we can set up video presentations for them. Besides the special Muharram program, the regular program is like this. Masoom opens every Sunday from 10:30 to 1:30 p.m. 10:30 we have assembly. We recite short surahs and duas. After that, the teachers take their attendance in the class. And from 10:50 a.m. to 11:35 a.m. is the first period of Quran. Besides the teachers, we are planning to use computer to teach Quran to the children. The CD we are using is called Al-Qari. This is that CD that we will be using, inshallah. At present, we have one computer, but we still need at least three more computers for these classes. The second period starts from 11:35 a.m. to 12:05 p.m. of Diniyat. These are the Diniyat books that we have given it to the students. This is for the first grade. And so as this is for the second grade, this is for the third grade, and that is the fourth grade, which is the last grade we have so far. The teachers give them a homework and quiz time to time also. We are also planning to add history class beside Quran and Diniyat. Then we have a lecture by Maulana Rajan Nalim on various topics from 12:10 p.m. to 12:40. And after that we have games for children between 12:40 and 12:55. They play basketball and computer games. Then they go for wuzu. And then from 1 p.m. to 1:20 p.m. they go for namaz and they pray namaz. From 1:20 p.m. to 1:30 p.m. we have lunch, kind of snack. Lunch is sponsored by the parents. We have a list on the school notice board. Parents put their names for the convenient date when they want to bring it. This is how presently the school is run. We are open for suggestions. If you have any suggestion, please feel free to talk to us. We have some future programs also to arrange seminar, quiz competitions, speeches, poetry, and other children's religious programs. To publish a school magazine that will have articles written by the school students. Teachers and parents meeting to have open house school. We'll take the children, if possible, to field trips also. And to use internet for children's education and to have their own school website. For all of this and more, we need parents' cooperation and support. We request all parents to please bring their children to Masoom School and participate actively in the school program. Without your help, the school will not be successful. So let us pray to Allah to make Madrasa Masoom a successful school for our children. Shukriya. आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज जिस कदर मुमकिन हो सके आगे काफी गुंजाइश होती है क्योंकि बाद में जो मोमिन आते हैं उन्हें बाहर खड़ा रहना पड़ता है प्लीज जिस कदर मुमकिन हो सके आगे की तरफ मूव कर लें और एक मतलब फिर अनाउंस मैं सुन लें कि जिस साहब ने भी सामने की पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क की है उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जाके वो प्लीज रेस्टोरेंट का जो पार्किंग लॉट है वहां से अपनी गाड़ी हटा लें वरना वहां से ओनर जो है गाड़ी टो करा देंगे सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद
Hari. Hari. Is this good? Is this good? No, I mean, what? Yeah, this is middle man. This good. कहा जाता है कि आगे करीब तशरीफ ले आए। मगरिब का इंसान जो है वो चांद तक पहुंच चुका है और हम यहाँ से थोड़ा सा आगे नहीं खिसक सकते। तो मजहबी बनकर और अहले बैत से दूर होता है और कुफ्र तरक्की करके अहले बैत की अजमतों को और साबित करता है। तो इधर भी मुतवज्जे रहना चाहिए और इस माहौल में रहते हुए जैसा कि मैं मुसलसल ला रहा हूं, आज इत्तेफाक से हमारे मुखलिस आपके साथ इन्होंने और अरे वो आगा साहब तो दो प्रोग्राम हो गए हो। ये जीवे पाकिस्तान रेडियो है, वहाँ डॉक्टर गाजी मुजाहिद साहब हैं, पाकिस्तान एक्सप्रेस, तो वहाँ जाना हुआ, जाना नहीं हुआ, घर में थे, टेलीफोन पर बात हुई फौरी तौर पर और वो हमारे मुखलिस मोमिन ने जहमत की थी कि जाहिर है कि पेट में खुराक न जाए तो आदमी, तो उन्होंने कहा कि मौलवी को बुला ले थोड़ा सा, तो वहीं फिर उन्हीं के यहाँ टेलीफोन पर फौरी तौर पर, यानी कोई प्री प्लानिंग नहीं, फौरी तौर पर वहीं, तो फिर 10-15 मिनट थोड़ी सी तकरीर हुई और इत्तेफाक से हमारा तो कुछ नहीं, जिनका नाम है वही उसमें असर पैदा करते हैं, तो वो थोड़ी सी कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हो गई और टेलीफोन आने शुरू हो गए, गैरों के टेलीफोन, दूसरों के सराहने की। जाहिर है कि जब आप इल्म और अकल की बात करेंगे तो जहां अकल होगी वो उसको एक्सेप्ट करेगा और जहां अकल ही ना होगी तो आप जो कुछ मर्जी कहते रहिए, उसको तो हम अकल से गुफ्तगू और इल्म और अकल से लॉजिकल गुफ्तगू भर वो ये अच्छा रहा। और फिर यही अब आपकी मुखलिसाना ये फिर ले गए, वो कोई अखबार भी निकलता है, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान एक्सप्रेस, और उनके बहुत अच्छे लिखने वाले जो उसको चला रहे हैं, बहुत जीनियस आदमी है बहरहाल, और सही तौर पर सहाफ़ी जिसे कहते हैं, आपके यहाँ की जो सहाफत है वो तो आप जानते हैं, लेकिन पर इस माहौल के अंदर जहाँ एडवांस है, इस माहौल के अंदर उनकी सहाफत जो है वो बहुत ही पावरफुल है। तो उनके यहाँ फिर हुआ, उन्होंने कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ बातें कि आप यहाँ की नस्ल के लिए क्या हो, तो उस सिलसिले में चंद बातें हमने अमीरुल मोमिनीन के फरमान के हवाले से उनके दो तीन इरशादात मॉडर्न साइंस से मुतल्लिक कुछ थे, तो वो हमने पर वो भी काफ़ी मुतासर हुई जो आपके पास आएंगे, पर उनका भी शुक्रिया। और ये मुजाहिद साहब जो हैं, अरे डॉक्टर साहब गाजी मुजाहिद साहब भी, इनका शुक्रिया कि इन्होंने पैगाम अहले बैत को जो भी मुख्तसर फौरी तौर पर वक्त हुआ इन्होंने अपनी शकीदत का इजहार किया और हमसे जो सो सका वह हमने इसमें पहुँचाया। भारत उनके इसके तशक्कुर के मुस्तहिक हैं कि जो भी अहले बैत रिसालत के लिए कोई भी ज़रा सा भी काम करता है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल तशक्कुर है। सलवात बहुत बता أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه أحد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاز الفتن الذي ليس لصفته أحد محدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته
ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على من بعثهم شهيدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأطهر المطهرين أجود المستمترين سيد الأولين والآخرين أبو القاسم محمد وعترته التي هي خير العطر وأسرته التي هي خير الأسر وشجرته التي هي خير الشجر نبتت في حرم وبسقت في كرم التي نزلت فيها وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على عدوهم صغيرا وكبيرا من يومنا هذا إلى يوم كون شره مستطيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تورة أخرى صلوات قرآن حکیم کی یہ آیہ کریمہ جس نے انسانی تخلیق سے متعلق بہت سے حقائق کو اپنے دامن میں سمایا ہوا ہے قرآن حکیم کائنات کی حقیقتوں کا اسرار کا علوم کا جامع ہے بات آگے تو ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں قرآن کہتے ذہن میں رکھیے کہ بہت ہی لوجیکل کوشش میری رہتی ہے کہ ذہن میں رہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر میرے دامن میں نہ ہو جتنے علوم ہیں تمام کے تمام قرآن کے دامن میں موجود ہیں اور مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلام اور جدید سائنس کے اندر میں نے 40 علوم کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی موجود ہے یہاں اور آپ کا فریضہ ہے چند کتابیں پہنچا دی ہیں ان کو موت و حیات کے متعلق بھی ہے فلسفہ عبادت بھی ہے ان کو حاصل کریں تاکہ آگے سلسلہ بھی تھوڑا تھوڑا یہ بڑھتا رہے تو قرآن حکیم جو ہے ہر آیت اپنے دامن میں بہت سے حقائق کو لیے ہوئے ہے قرآن کہتا ہے کہ تبیان لکل شے ہر شے کا بیان میرے اندر موجود اعلان ہے لا رب ولا یابسن الا فی کتاب مبین کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب کے اندر نہ ہو ما فرطنا ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا تمام چیزوں کی تمام باتوں کو اس میں سمو دیا قرآن کہتا ہے کہ ما من غائبت کوئی غائب کوئی غیب آسمان و زمین کا نہیں ہے جو میرے دامن میں موجود نہ ہو تو قرآن خود کہتا ہے کہ کائنات کی ہر غیب کی بات میرے اندر موجود ہے قرآن کا دعویٰ خدا کا دعویٰ ہے کہ میری اس کتاب کے اندر ہر غیب موجود ہے تخلیق کے آغاز سے لے کر کائنات کے اینڈ تک ہر چیز ہر انڈیویجول اجتماعی ساری غیب کی باتیں میرے اندر موجود ہیں یہ قرآن کہتا ہے توجہ کوئی غیب ایسا نہیں پھر واضح کرتا ہوں مجھے بات کہنی ہے کہ جب ہر غیب کائنات کی گہرائیوں میں کیا ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے کیا ہوگا سب چیز
चीजें गैब की बातें कुरान के अंदर मौजूद हैं, तो जब तमाम वजूबात कुरान कहता है कि मेरे अंदर मौजूद है, तो अब जरा ये बताइए कि जिस पैगंबर पर ये कुरान नाजिल हुआ वो पैगंबर पूरे कुरान का आलिम है या नहीं? बिल्कुल वादे से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब कुरान कहता है कि कयामत और बाद की हर गैब की बात मेरे दामन में मौजूद है, तो अब पैगंबर इस पूरे कुरान के आलिम है या नहीं? और जब पैगंबर पूरे कुरान के आलिम है तो पैगंबर आलिमुल गैब हुए या नहीं? पैगंबर गैब जानते हैं या नहीं? जब तमाम वजूबात कुरान के अंदर मौजूद है तो फिर पैगंबर इसके आलिम है, तो फिर मान लीजिए कि पैगंबर हर गैब जानता है, आलिमुल गैब है पैगंबर। तो जब आलिम और आज मुसलमान मुल्ला इसी में बहस कर रहा है कि पैगंबर गैब जानते हैं नहीं जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, अरे मुसल कुफर कहां तक पहुंच चुका है, वो आइंदा की खबरें हफ्ते की खबरें दे देता है कि आइंदा संडे को बारिश होगी नहीं होगी, सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, हवा चलेगी नहीं, तो ये तो हफ्ते भर की खबरें आइंदा की दे देते हैं काफिर जो है। तुम कहते हो कि पैगंबर गैब नहीं जानते हैं, तो याद रखिए पैगंबर आलमीन के लिए नबी बनकर आया। तो अब ये कुरान हकीम जो है कायनात की हकीकतों को समझो, एक जुमला मुझे जहां कहना है मुझे आगे बढ़ना है, और कल की गुफ्तगू में जो गुज़श्ता गुफ्तगू ज़हन में रहे कि जहां कुदरत ने मट्टी के अनासिर से इंसानी अज्जा को सेलेक्ट करके जमा करके जिसमें इंसानी की तखलीक की एक अजीब दूसरी मखलूक बन गई, कुदरत ने अपनी अजमत का इक्तदार को जाहिर किया कि यही मट्टी के नासिर थे मेरे हुक्म से जमा हुए जिसमें इंसानी तैयार हुआ, तो इंसानों मैंने हर मंजिल पर अपने इक्तदार का इजहार किया। ये अल्फाबेट जो हर हरूफ तुम अपनी जबान में इस्तेमाल करते हो, तुम इस्तेमाल करते हो, अले बेटे ये तुम इस्तेमाल करते हो, तो जो हरूफ तुम इस्तेमाल करते हो इन्हीं हरूफ की सेटिंग मैंने की, तो जब इन्हीं हरूफ की सेटिंग मैंने की और ये कुरान के अल्फाज बन गए, और जब कुरान के अल्फाज बन गए हरूफ वही है जो तुम इस्तेमाल करते हो, और जब मैंने उन्हीं हरूफ को इस्तेमाल किया कुरान के अल्फाज बन गए, तो अब ये कुरान के अल्फाज नूर बन गए। कुरान के अल्फाज नूर हैं, नूर हैं। जब तुम्हारी किताब में थे तो नूर नहीं थे, जब मैंने सेटिंग की तो नूर बन गए। तब आम किताब कोई हो वो बोलने लग जाए कि मुझ में और कुरान में, कुरान से कहे क्या फर्क है तुम में, तुम में भी वही हुरूफ है जो मेरे अंदर हुरूफ है, वही शक्ल है जो मेरी शक्ल है, इन हुरूफ की दोनों की शक्ल भी एक है, हुरूफ भी वही है। तो अब अगर कोई कहे कि कुरान ये आम किताब एक जैसी है, मुसलमान मुल्ला कहेगा ये काफिर है, वो नूर है ये नूर नहीं। अरे जब शक्ल सूरत इन हुरूफ की भी हमारी किताब के भी वही हुरूफ है और कुरान में भी वही हुरूफ है, शक्ल सूरत एक जैसी है, एक नूर दूसरा नूर नहीं है, तो फिर मोहम्मद को अपने सूरत में देकर पैगंबर भी अगर हमारी शक्ल सूरत में आ जाए तो उसे अपने जैसा न कह बैठना कि ये मुझ जैसा है, शक्ल सूरत ही मिलती जुलती है, दो आंखें हैं दो कान है हाथ है, तो जिस तरह ये दोनों किताबों के रूप एक होकर नहीं बन सकते एक, तो इसी तरीके से एक बात आगे तो कह दूं, कुरान हकीम में वही हरूफ थे जो हमने इस्तेमाल किए, समझ लो ये कहना था मुझे बात को, लेकिन इस वक्त बात आ गई आइंदा की गुफ्तगू में कहना था, और इस वक्त जहन में यह आ गई बात कि कुरान ने एक तस्करा किया जानवर का, हमारी किताब में जो हरूफ थे तो आप मत कर सकते थे किसी हालत में हो, लेकिन जब यही हरूफ कुरान का जुज बन गए, अब बगैर वुजू के मत नहीं कर सकते, हुरूफ तो वही है, तो हुरूफ एक जैसे हैं, लेकिन हमारी किताब में हो तो इतने पाकीजा नहीं, लेकिन जब कुरान का जुज बने
तो पाकीज़ा इतने कि बगैर वुजू के मस नहीं कर सकते, वाजिब है बाफुजू हो। तो जब कुरान में वही हरूफ आए तो इतने पाकीजा हो गए कि बगैर वुजू के मत नहीं कर सकते। तो इसी कुरान के अंदर एक नजिस जानवर का भी जिक्र है, नजिस जानवर का, और वो जानवर कि जो चंद अस्हाब के साथ, अस्हाब कैद के साथ चला था शाम के इलाके में, पहाड़ के दामन में, गार में वो सात असाब पहुंचे सूरह कैफ, और वो कुत्ता उनके साथ था, और वहां गार के अंदर बाजू फैलाए हुए बैठा है। अब उसका नाम उस कुत्ते का कुरान के अंदर आ गया, जब कुरान के अंदर आ कल्बुहुम उनका कुत्ता, बासितुन ज़िराए है उनका कुत्ता, हाथ फैलाए हुए वहां मौजूद है बैठा है, तब इन अल्फाज को जब ये नाम उसका कुरान में आ गया तब बगैर वुजू के मस नहीं कर सकते। तो जो बगैर वुजू के मस नहीं कर सकते तो पालने वाले इस नजिस जानवर का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? तवज्जो, इस नजिस जानवर का कुरान की आयत बनाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? क्या कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता है? तो तौहीद कहेगी इस कुत्ते ने मुझ मेरी मार्फत के लिए जाने वाले असाबे कैद के साथ वफादारी की, वफादारी की, तो मैंने इसके नाम को, इसके जिक्र को अपनी किताब की आयत बना दिया। वफादारी की, कुत्ते ने नजिसुल ऐन था, तो तौहीद आले मोहम्मद से हर मनसूब चीज की अजमतों की दलील फराहम कर रही है। मुसलमानों, अगर एक कुत्ता असाबे कैद के साथ वफादारी करे तो वो इतनी अजमत हासिल कर ले कि कुरान की आयत में शामिल हो जाए। तो अगर एक घोड़ा, हुसैन की सवारी, रसूल की सवारी का घोड़ा अगर इमामत के साथ वफादारी करे तो तुम कहते हो कि ये घोड़ा है, तुम कहते हो वो कुत्ता है, वो कैसे बन गया इतना इस मंजिल पर कि वफादारी की बिना पर कुरान में जिक्र आ गया, और ये वाहिद कुत्ता है कि जो इंसानी शक्ल में चेंज हो जाएगा सिर्फ असहाब कैद के साथ। और जो जुलजना था वो पैगंबर की सवारी था, याद रखिए, तो उसने हुसैन के साथ इमामत के साथ वफादारी की। तो अब अगर वो काबिल एहतराम हो गया तो फिर जिस जुलजना ने आले मोहम्मद के साथ वफादारी की तो फिर कभी इतराज ना करा ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, ऐसा कभी नहीं कहने, लकड़ी तो वही है जी, कपड़ा तो वही है, लेकिन जब उसको कुरान पर लपेटने लग जाते हैं तो चूमने लग जाते हैं जी, आलम के साथ होता है तो इज्जत बन जाती है। तो याद रखिए जो चीज आले मोहम्मद से मंसूब हो जाती है खुदा उसको इज्जत और इहतराम अता कर देता है। सलवात अल्लाह अलैहि तो ये गुफ्तगू का आगाज है। तवज्जो, तो मैं कर रहा था कि तौहीद का ऐलान हमने मट्टी से पैदा किया, मट्टी में लौटाएंगे इस इंसान को जो हकीकत है इंसान, जिस्म में रूह दाखिल हुई इस मट्टी के मकान में जिंदगी पैदा हो गई, रूह ने छोड़ दिया आपने कहा मौत। और एक बात यहां भी पहुंचा दूं कि जब दुनिया से उठता है कितना नजिस, हाथ लगाने से गुस्ल वाजिब, और ये जब मकान छोड़ देता तो ये जिस्म नजिस हो जाता। तो हमने मौत याद की किताब में डॉक्टर मोदी जो यहां का रिसर्च लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर रिसर्च करने का दायरा है, उसकी कुछ लिटरेचर पढ़ा तो उसकी चंद बातों को कोटेशन मैंने अपनी उस किताब के अंदर भी दिए। और एक बात आ गई इसलिए जा रहा हूं गुफ्तगू के दौरान में, बहुत सी बातें उसने की है और उसमें से एक बात जो है कॉमन उसने लिखी है कि जब इंसान इस बॉडी को उसकी रूह छोड़ती है तो उसने कहा कि हर दुनिया से जाने वाला एक रोशनी देखता है कि एक्सीडेंट हुआ
उनके बकौल मरने के करीब पहुंच गया और उसके बाद डॉक्टर जो थे उसके ऊपर उसके इलाज कर रहे थे, बॉडी के पार्ट को जोड़ रहे थे और अचानक उसके अंदर दिल में हरकत पैदा हुई, रूह फिर दाखिल हो गई बकौल उनके। और जो उस आदमी की रूह ने उसने बताया कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और जैसे कई क्वेश्चन को रिजल्ट ये वाकया दिए कि वो खून में नहा गया और उसके बाद रूह ने अलहदा हो गई उसकी, तो वो कह जब बकौल उसके वो जिंदा हुआ वो कहता है देखा कि लोग दौड़ती आ रहे हैं मेरी बॉडी को उठा के ले जा रहे हैं और एक बच्ची पहले डेथ कर गई उसकी हो चुकी थी, वो आकर मेरी गोद में बैठ गई, मैं साथ साथ था और वो लोग मेरी बॉडी के पार्ट को जो है रिपेयर उसको ठीक कर रहे थे और उनके आलात की हरकत को भी मैं आवाज सुन रहा था, यहां तक कि जब बॉडी को उन्होंने सही दुरुस्त कर लिया तो मुझे मजबूरन अपनी बॉडी में दाखिल होना पड़ा। उसने अपने वाकयात बताए और अक्सर जो ऐसे वाकयात हुए तो एक बात कॉमन उन्होंने बताई, वो कॉमन बात ये कि एक ने कहा कि हमने एक नूर को रोशनी को अपने पास आते हुए देखा। हर एक ने जब ये कहा कि एक नूर को रोशनी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो डॉक्टर मोदी ईसाई है तो आप मजहब के लिहाज उसने कहा कि जब हर एक ने एक नूर को रोशनी को अपनी तरफ आते देखा तो वो कहता है कि हजरत ईसा है कि जो आते हैं। जब उसने ये कहा कि हजरत ईसा आते हैं तो हमने उसे लिखा कि हजरत ईसा का कौल है, तवज्जो, हजरत ईसा का बाइबल के अंदर ये कौल है कि मेरा पैगाम, मेरी नबुव्वत, मेरा मैसेज जो है मैं सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल की बिखरी हुई भेड़ों को मैं जमा करने के लिए आया हूं, मेरा पैगाम सिर्फ एक नस्ल के लिए है, बनी इसराइल के लिए है। तो जब ईसा खुद कह रहे हैं कि मेरा पैगाम एक नस्ल के लिए है तो इसराइली के पास तो आप मान सकते हैं, जब यह कहना है कि दुनिया के हर इंसान जो है उसके पास एक नूर आता है और ईसा कहते हैं मैं सिर्फ बनी इसराइल के लिए नबी बनकर आया हूं, जब दुनिया के हर इंसान के पास ये नूर आता है तो फिर मान लीजिए ये उसका नूर हो सकता है जो आलमीन के लिए नबी बनकर आया हो। नारे हैदरी, आलमीन के लिए इमाम बनकर आया हो। इसीलिए हर एक के पास मैंने जैसे कर दिया था, अली कहते हैं मेरे पास मैं हर एक के पास मौजूद होता हूं, पैगंबर मौजूद होते हैं और ये लेने के लिए आते हैं। और कल की गुफ्तगू एक जुमला कह के मैं जो और बात पहुंचानी आप तक, हम इन्हीं का तस्करा करते हैं ज्यादा इसीलिए कि उधर जो मंजिल है ना बड़ी मुश्किल मंजिल है जी, बड़ी मुश्किल मनाजिर है, लिहाजा जो उधर काम आने वाले हैं उन्हीं का तस्करा करते हैं ज्यादा। ये 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में 72 जहन्नम, ये रसूल की हदीस है ना, तो सारा चक्कर जन्नत का जी। तो मैंने कुछ बात पहली बार की थी, मेरे पास तलबा भी पूछते हैं जन्नत में कौन जाए, मैंने कहा बेटा बात यह है, कॉमन एक बात है, हर सुन्नी शिया हर मुसलमान मुल्ला जो है जुमे के खुतबे में एक हदीस पढ़ता है, बुखारी मुस्लिम सबसे आखिरता में हदीस मौजूद है कि अल हसनो वल हुसैनो सैयद और शबाब अहले जन्ना व अबू हुमा खैरु मिनहुमा, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार, इनके बाबा इनसे अफजल हैं। गुफ्तगू नौजवान से मेरे तलबा से गुफ्तगू जब सवाल करते हैं, मैंने कहा भाई तो यह हदीस सब मुसलमानों के हैं जो मैं खुतबे में पढ़ते हैं मुसलमान कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार, यही नहीं बल्कि आगे इनके बाबा इनसे भी अफजल, और खातून जन्नत जनाब जहरा हैं। और जब ये जन्नत के मालिक है सरदार है, तुम कहीं भी हो गाड़ी तुम्हारा ड्राइवर ले गया जी, जब चाहते हो टेलीफोन किया गाड़ी मंगवा ली, तो जो अपनी चीज होती है जहां चाहे आदमी मंगवा सकता है। तो जब ये मान लिया कि जन्नत के सरदार ये हैं, तो जब जन्नत के मालिक ये थे तो जब चाहते थे जन्नत से कपड़े मंगवा लेते थे, जब चाहते थे जन्नत के खाने मंगवा लेते थे, फल मंगवा लेते थे। तो अब जब सब मानते हैं जन्नत के सरदार ये हैं, हसन हुसैन सरदार आने जन्नत, खवातीन की जन्नत की सरदार की जनाबे जहरा,
हसन हुसैन के बाबा इनसे अफजल, तो जब सबका इत्तेफाक इन पर है कि ये जन्नत के मालिक और सरदार है और हमें जन्नत चाहिए, तो बस जन्नत ही कौन होगा? बस दो लफ्जों में, जो जन्नत के मालिकों पर ईमान लाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो इनके दुश्मनों को मानेगा जहन्नम में जाएगा। अब गुफ्तगू तमीजी गुफ्तगू से आगे बढ़ते हुए कुरान हकीम की आयत समझो कि हमने मट्टी से पैदा किया, मट्टी में कल की गुफ्तगू, बीज जब जाता है, एक दूसरे मसले को आज वाजे कर रहा, जो उसकी मुनासिब अज्जा होते हैं उनको ले लेता और जो मुनासिब अज्जा नहीं होते हैं उनको छोड़ देता। फिजा में जाने के बाद अपने मुनासिब चीज को हासिल करता है, जो मुनासिब नहीं उसे छोड़ देता है। तो कायनात की जिंदगी की तवज्जो, फितरत और मिजाज में यह बात शामिल है कि जो मिजाज के मुआफिक हो उसे ले लेना, मिजाज के खिलाफ हो उसे छोड़ देना। इंसानी जिस्म के आजाओ हवास हैं कि इंसानी आंखें जब मनाजिर कुदरत को देखती हैं, हरियाली को बाहत हैं, तो आंखें मुतवज्जे हो जाती हैं, बार बार सब्जे को देखती हैं कि हरियाली को देखने से निगाह तेज होती है। लेकिन अगर कोई गलत करीब मंजर हो आंखें रुख फेर लेती हैं, तो जहां सब्जा है गुलिस्तान है वहां निगाहें मुतवज्जे होती हैं, देखने के शौक बढ़ता है, जहां बुरी बुरा मंजर होता है आंखें रुख मोड़ लेती है। गुलिस्तान में पहुंचे खुशबू महक रही है, कुव्वत शामा जो है मुतवज्जे होती है, एक एक फूल के पास खुशबू सूंघते हैं। लेकिन अगर किसी और तरफ जाए मिजाज के खिलाफ अगर चीज हो तो फौरन हाथ आ जाता है, कपड़ा रख लेते हैं। तो एक जगह नफरत है, एक जगह ताल्लुक रगबत है, आप आवाज सुनने चहचहा रहे हैं, जब चहचहा रहे हैं तवज्जो से सुनने लगते हैं, और जब हथौड़े चलने लगते हैं तो कानों पर हाथ आ जाते हैं। इसी तरह जब कोई चीज खाते हैं लजीज होती है, जायका की कुम्मत और तलब करती है, और अगर कड़वी और बद जायका चीज आती है फौरन बाहर फेंक देते हैं। तो आजाओ हवास जो है, जो मिजाज के मुआफिक चीज होती है उसकी तरफ रगबत करते हैं, और खिलाफ जो होती है उससे नफरत करते हैं। तो इसी रगबत और नफरत का नाम इस्लाम के अंदर क्या है? मिजाज के मुआफिक अच्छी चीज की तरफ रगबत करने को तवल्ला कहते हैं और नफरत करने को तबर्रा कहते हैं। ये बीज जो मट्टी के अंदर जाता है मिजाज के मुआफिक चीज को रगबत रगबत से ले लेता है, इसको तवल्ला कहते हैं। मिजाज के खिलाफ चीज है उसे छोड़ देता है, इसे तबर्रा कहते हैं। तो पौधे भी तवल्ला और तबर्रा करते हैं, जानवर भी मिजाज के मुआफिक चीज की तरफ रगबत करता है, मिजाज के खिलाफ से नफरत करता है तो वो भी तवल्ला तबर्रा करता है। हर इंसान जो है वो मिजाज के मुआफिक जो है चीज लेता है, खिलाफ को छोड़ देता है, तो हर इंसान भी तवल्ला तबर्रा करता है। हर इंसान सच्चाई को पसंद करता है, हर इंसान अदल को पसंद करता है, तो अदल को पसंद करना तवल्ला कहलाता है, जुर्म से नफरत करता है, जुर्म से नफरत को तबर्रा कहते हैं। इसी तरह सच्चाई को पसंद करता है तवल्ला है, झूठ को पसंद नहीं करता है तबर्रा है, कमाल को पसंद करता है तवल्ला है, और नफ्स को पसंद नहीं करता है तबर्रा है, इल्म को पसंद करता है तवल्ला है, जहालत से नफरत करता है तबर्रा है। तो जब फितरत इंसानी में तवल्ला तबर्रा है, तो याद रखिए खुदा की तरफ से जो पाक कमाल हस्तियां है उन पर ईमान लाने को तवल्ला कहते हैं, उनके दुश्मनों से नफरत को तबर्रा कहते हैं। तो तवल्ला तबर्रा कोई हवा नहीं है कि तबर्रा करते, हर इंसान तबर्रा करता है भाई, कि फितरत इंसानी में शामिल है कि तुम कमाल से मोहब्बत करते हो, ये तवल्ला है।
जहालत से नफरत करते हो, गुनाह से नफरत करते हो, इसी को तबर्रा कहते हैं। और इस्लाम ने सबसे पहले जो है तबर्रे का इजहार किया, जबकि मुसलमान होता है तो पहले तबर्रा करता है, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, जितने बातिल हैं उनकी नफी करता है जी, फिर कहता है इल्लल्लाह, मगर सिवाय अल्लाह के और कोई इबादत के। तो पहले तबर्रा है फिर तवल्ला है। तो जब इस्लाम का आगाज ही तवल्ला तबर्रा से होता है तो फिर इसमें कोई नाराज होने की, बिगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत का नाम तवल्ला है, इबलीस से नफरत का नाम तबर्रा है, मोहम्मद से मोहब्बत का नाम तवल्ला है, और अबू लहब अबू जहल से नफरत का नाम तबर्रा है, आले मोहम्मद से मोहब्बत का नाम तवल्ला है, उनके दुश्मनों से नफरत का नाम तबर्रा है। चला बहुत बड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, जब थोड़ा सा पीछे तवज्जो। अब मैं जो बात और दो तीन बातें पहुंचानी है वो आप तक पहुंचा दो आज की गुफ्तगू में, कि मैंने अभी अर्ज किया कि चीजें वही होती हैं लेकिन मकाम और जगह बदल जाती है, हैसियत बदल जाती है। हम जिन हस्तियों से मोहब्बत करते हैं, अकीदा रखते हैं, वो हिंदुस्तान में जो राइट वो हुआ था इसी मसले पर, लखनऊ का आपको मालूम है जी, एजिटेशन हुआ था क्या, तो उसमें जो ईसाई जज था तो उसने पूछा भाई क्यों तुम इख्तलाफ करते हो, कहा कि ये तबर्रा करते हैं, तो इसमें कौन सी बात है, तुम्हारे बड़ों के लिए ये करते हैं थे, इनके जो बड़े हैं तुम भी उनके साथ वही करो। कहने की बात यह है कि हम इनके बुजुर्गों को बुरा नहीं कह सकते, तो ईसाई जज ने कहा फिर ये सच्चे हैं, इनके वो हैं कि तुम भी उनको बुरा नहीं कह सकते हो। तो भारत हमारी जो हस्तियां जिन पर हम ईमान रखते हैं वह हस्तियां वो हैं कि कायनात की पूरी दुश्मन कुव्वतें आज तक जो है उन्हें कोई नफ्स और ऐब उनकी मंजिल में नहीं आया। और मैंने कुरान के मुकदमे के चैप्टर लिखा है कि जितने उलूम हैं और जितनी फजीलत की बातें हैं वो सब आगे जब जाएंगे तो इंतहा वो आले मोहम्मद पर उनकी इंतहा होती है। और एक चीज के मुतालिक इतना अर्ज कर दूं कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम आया और उसके बाद एक विलायत का सिलसिला चला और इस विलायत के सिलसिले में कितने वली बन गए, कितने वली बने, ये फुला वली है, ये फुला वली है, ये फुला वली है। तो अब जब विलायत का सिलसिला बढ़ा और उस पर किताबें लिखी तो विलायत का इनकी इंतहा कहां तक है, कहां तक से ये सिलसिला चला, तो साहिबान इल्म मार्फत ने किताबें लिखी तो कहा जितने वली हैं और यहां है इनकी विलायत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते एक ऐसे शख्स तक पहुंचता है कि जो इमाम अली रजा के घर का दरबार है, जिसे मारूफ करखी कहते हैं, मारूफ करखी इमाम रजा के घर का सक्का है, पानी लाता था, पानी पहुंचाता था, और जब ज़ईफ हो गए दरबार पर बाहर बैठते थे, दरबार बनाया इमाम ने, और मंजिलत मारूफ करखी की ये थी कि कुछ मिस्र के लोग आए और आने के बाद कहा कि हमारा दरिया जो है वो आगे बढ़कर हमारी फसलों को तबाह करता है, इमाम वहां मौजूद नहीं थे, तो अब मारूफ ने देखा कि इमाम तो नहीं है, इमाम नहीं है, उसने एक सत्र लिखी और बंद करके वो तहरीर दे दी कि जब दरिया का पानी आगे बढ़े तो इस तहरीर को फेंक देना। चुनाचे वो वापस गए, पानी आगे बढ़ा, तहरीर को फेंक दिया, आया हुआ सैलाब वापस पलट गया। अब दो तहाज लेकर जब आए, इमाम मौजूद थे, मारूफ करसी के सामने तहाज पेश किए, जब तहाज पेश किए इमाम आए कि देखा ये क्या बात है, तो मिस्री लोगों ने कहा बोला आप नहीं थे और हम आए और इन्होंने कुछ लिखा देख कर दिया था, वो तहरीर हमने दरिया में डाल दी तो सैलाब वापस चला गया। तो मुस्कुराते कहा कि मारूफ अब तुम भी अपना हुक्म जारी कर रहे हो, का मौला मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्या लिखा था, का मौला मैंने ये लिखा था ऐ दरिया अब आप इमाम अली रजा का दरबान और उनका गुलाम अपने उस सर का वास्ता दे
रहता है, जो अली रजा की चौकर पर झुकता है, इनकी तरह तू आगे नुकसान देने के लिए न बस वापस अपनी हद घर के अंदर लौट जा। बोला मैंने उसी सर को तो रास्ता दिया है जो आपके दरवाजे पर झुकता है। तो जितने वली हैं, पीराने पीर हैं, इन सब की विलायत जो पहुंचती है वलियों के वली कौन, मारूफ करफी, और मारूफ करफी इमाम अली रजा के दरबान और सक्के हैं। तो जिनके घर के दरबान जो हैं, तुम वलियों के भी सब वली बन जाएं तो खुद इमाम की मंजिल क्या होगी। सलवात व सलाम। सब इन मजालिस में थोड़ी सी गुफ्तगू इसी तरह मुतालिक रहेगी। तो मैं कर रहा था ये हस्तियां जो चीज इनसे मंसूब होती गई तौहीद उसको अजमत अता कर दी गई, और तौहीद ने इनकी हर अजमत का जवाब खुद फराहम किया है। मुसलमान हज के लिए जाता और वहां जितनी बातें करता है, हिंदुस्तान के अंदर कोई वहां का इंसान बातें करता है तो कहता है ये मुशरिक है। वहां जाता है पत्थरों का घर है, पत्थरों के घर का तवाफ करता है, और तवाफ करते हुए पत्थरों को चूमता है जी, और काले पत्थर के पास जब जाता है तो काले पत्थर को सलाम करता है, और सलाम करते जो हाजी हज पे गए हैं उन्हें मालूम है, जो नहीं गए खुदा उनको नसीब करे। तो वहां काले पत्थर के पास पहुंचकर हर तवाफ करने वाला हाजी कहता है ए हजर अस्वद तुम पर सलाम, तुम पर सलाम हो जो मेरी रूह ने वादा किया था लब्बैक का ही थी हज के लिए आलम अरवाह में, मैंने उस वादे को पूरा कर दिया। पत्थर को सलाम करता, ये कौन सा पत्थर है? ये पत्थर जन्नत अरबी, दो जन्नतें हैं, एक जन्नत जमीन पर है जिसमें हजरत आदम थे, वह आखिरत वाली जन्नत नहीं, इसलिए कि आदम को कुदरत ने खल किया जन्नत में भेजा, क्योंकि ऐलान किया था मैं जमीन के लिए बना रहा हूं, ये नहीं ऐलान किया कि जन्नत के लिए, तो अगर जन्नत के ऐलान कर दो तो पहली जन्नत में होते, जमीन के लिए बना रहा हूं, और जब जमीन के लिए बना रहे थे तो अब पहले फिर जन्नत में भेजा जो जन्नत के असली का नमूना है, दुनियावी जन्नत है, वहां दुनियावी जन्नत भी है दोज़ख भी है, कुरान अंदर इसका जिक्र है। तो जन्नत में आदम को पहुंचाया, और जब उस जन्नत में पहुंचाया क्यों, इसलिए कि आदम से जब नस्ल इंसानी आगे बढ़ेगी और आदम उससे कहेंगे कि ईमान ले आओ, ये होगा जन्नत मिलेगी, तो अगर औलाद ने पूछ लिया कि बाबा आपने भी जन्नत देखी है या नहीं, तो बाबा ने कहा पहले तो नहीं देखी, तो औलाद कहेगी जब आपने खुद नहीं देखी तो हमें क्या दावत दे रहे। तब जरूरत इसकी ली थी कि पहला जो जाने वाला हिदायत करने वाला इसे जन्नत दिखाकर भेजा जाए, कि अगर कहेंगे जन्नत देखी बाबा ने तो कहे हाँ मैं देख कर आया हूं, तो ऐसी जन्नत था कि जहां निकलने को दिल नहीं चाह रहा था, तो है कोई पुराने सिलसिला था बाहर निकालने का, तो वो सारा सिलसिला हुआ। तो अब जनाब आदम जन्नत में थे, तवज्जो, जन्नत में थे, वहां एक पत्थर था जिस पत्थर पर बैठ कर जनाब आदम खुदा की हम्द और सना करते थे, इबादत करते थे। जब जन्नत से बाहर निकले तो पत्थर में फरियाद की, पालने वाले तेरा नबी, तेरा पाकीज़ा बंदा तेरी हम्द सना करता था, वो जा रहा है, अब मैं किससे तेरा जिक्र सुनूंगा। खुदा ने आदम से कहा इस पत्थर को उठाओ, खुदा ने आदम इस पत्थर को उठाया अपने कंधे पर रखा, अपने कंधे पर रखा, तौहीद शनाख्त पत्थर था, तौहीद शनाख्त पत्थर था, नबुव्वत की दोष पर उसको मकान मिला, नबुव्वत की दोष पर मकान मिला। यहां जब बना खाने काबा हुक्म दिया कि इस पत्थर को मेरे घर के पास लफ किया जाए, दीवार काबा में लफ हो गया, एक तो यह पत्थर है, और दूसरी मंजिल के जब जनाब इब्राहिम खाने काबा की दीवारें बना रहे थे और जब दीवारें बनाने लगे तो अब जरूरत थी कि दीवारों को और ऊंचा किया जाए, और ऊंचा किया जाए, तो जनाब इब्राहिम मेमार थे, जनाब इस्माइल मजदूर थे, इन दो हस्तियों ने यह घर खुदा का घर बनाया। और उसके बाद जब पलंग करने की जरूरत आई तो जिब्रील ने आकर रहनुमाई की, पहाड़ के दामन से पत्थर लिया, उस पत्थर को रखा, जनाब इब्राहिम उस पत्थर पर खड़े हो
गए, इस्माइल ने पत्थर दिए और रखना चाहते थे, ये पत्थर ऊंचा हो गया, अपनी जगह पर उस पत्थर को रखा, फिर झुक गया, उसके बाद दूसरा पत्थर लिया, फिर बुलंद हो गया। इस तरह ये पत्थर बुलंद होता गया, हो जाता था कि जहां पत्थर रखना था दूसरी दीवारों को ऊंचा करने के लिए, और जब रख देते फिर नीचे हो जाता था। इस तरह पूरा खाने काबा बन गया, बन गया पत्थर नीचे आया, और उसके बाद फिर जब बन गया, अब खुदा ने कहा कि इब्राहिम अब ये पत्थर जो है, ये पत्थर नबी के पांव इसके ऊपर थे, तो पत्थर ने दरखास्त की, पालने वाले मुझे इतना नरम कर दे कि मैं तेरे खलील के पांव के निशान अपने सीने में जज्ब कर लूं। तौहीद ने नरम किया, इब्राहिम के पांव के निशान उस पत्थर पर उभर आए। जब खाने काबा बन गया, खुदा ने कहा इब्राहिम अब इस पत्थर को फेंकना नहीं है, इस पत्थर को मेरे घर के पास जगह मिलेगी। यह पत्थर नबुव्वत शनास है, नबुव्वत शनास है, तौहीद शनास पत्थर खाने काबा के दीवार में जगह मिली, और जो नबुव्वत शनास पत्थर था खाने काबा के पास जगह मिली। तौहीद बता रही है कि जब पत्थर तौहीद और नबुव्वत बन जाए तो मेरे घर के पास जगह मिलती है, निशानी बन जाता है, तो फिर वो आती। इसलिए रसूल ये कहे कि रब को कामिल तौर पर किसी ने नहीं पहचाना, या मैंने पहचाना है या अली ने पहचाना है, और मुझे कामिल तौर पर किसी ने नहीं पहचाना, या रब ने पहचाना है या अली ने पहचाना है, और अली को कामिल तौर पर किसी ने नहीं पहचाना, या रब ने या मैंने पहचाना है। तो जो अली मार्फत तौहीद और रिसालत में इतना बात कमाल था, तो इसने चाहा कि अली अब तुझे मेरे घर के अंदर जगह मिलेगी। तुझे मेरे घर के अंदर जगह मिलेगी, तो खुदा के घर के अंदर अली को जगह मिली। और जाते हुए समझो, जाते हुए आपने सुना था कि दो बातें कह दो कि जब जाने लगी, कितना फर्क है मादर मरियम में और मादर ईसा में, कितना फर्क है और मादर अली में, कितना फर्क है कि वो खुदा के घर में थी और हुक्म हुआ कि अब यहां से बाहर निकल जाओ। मरियम को बाहर निकाल दिया गया, अली की वालिदा घर में थी, मालूम हो क्योंकि कुछ कर रहा है, चलो खाने काबा के पास, और आए तवाफे खाना काबा किया, और तवाफे खाना काबा करते हुए दीवार के साथ खड़ी हो गई। और तारीख ने इन कलिमात को नकल किया है कि दीवार काबा के साथ अपने जसद को मस करते हुए ये कहो, रब्बे इन्नी मुअमिनतुम बिक व बिमा जाअ मिन इंदिक व इन्नी मुसद्दिकतुम बिकलामि जद्दी इब्राहिम अल खलील अल्लज़ी बनौ बैतक अल अतीम व बिहक हाज़ल मालू अल्लज़ी फी बतनी अल्लज़ी युकल्लिमुनी फी वहशती लमा यस्सरता अलैय विलादती रब्बे इन्नी मुअमिनतुम बिक। पालने वाले मैं तुझ पर ईमान रखती हूं। पालने वाले मैं तुझ पर ईमान रखती हूं। वो भी मैं जाओ अब निंदित जो कुछ तेरी तरफ से नाजिल हुआ है मैं उस पर भी ईमान रखती हूं। पालने वाले मेरे दादा इब्राहिम का वास्ता जिसने तेरा ये घर बनाया था। पालने वाले इस बच्ची का वास्ता जब मैं अकेली होती हूं मुझसे बातें करता है, अब इस तकलीफ को आसान कर दे। तो इधर दुआ खत्म हुई, उधर दीवार शक हुई, फातिमा अंदर चली गई। अजीब बात है, आप अगर किसी बिल्डिंग के पास खड़े हो और दीवार फट जाए तो अंदर नहीं जाएंगे, दूर भागेंगे। और ये बीवी अंदर चली गई, पहचान रही थी कि तौहीद इंतजाम कर रही है। और अगर किसी आम मर्द के साथ हो कि ऐसी दीवार टूट जाए, छत गिरने का खतरा हो, तो अंदर अगर चला जाए तो वहां देख के कभी गिरेगी तो कहां से हो जाए। दीवार मिल गई, बीवी मुतमैन थी। खाने काबा के सेंटर के अंदर मरकज में एक बच्चा दुनिया में आता है, बच्चा दुनिया में आया, और जब आया तो आंखें बंद है, शीर मादर की तरफ तवज्जो नहीं करता है। अब बात देख रहे थे, लाकर ताला खोलना चाहा, ताला न खुल सका, समझ गया कि राजे तौहीद है। और ये बच्चा जो हुआ दाखिल हुई दरवाजे से नहीं, दरवाजे से नहीं, दीवार शक हुई, दीवार शक हुई, दरवाजे से जाती तो दुश्मन कह देते खुद गई है, दुश्मन कहते खुद गई, दीवार शक हो गई। और याद रखिए जाने वाला कौन, आने वाला कौन है, जो बाबे मदीनतुल इल्म है, तो बाबे मदीनतुल इल्म है, तो दरवाजा दरवाजे में नहीं लगता है, दीवार में लगता है। फाते के सिलसिले में बारह
मोमिनीन आपके जाने वाले हमारे मुस्तहकों से हैं, दाऊद जी, हाजी सैयद अली रजा, कबीलादारता मरूम हसन अली, रहमत भाई मरूम, दाऊद भा सारवानी, सूरह फातिहा पढ़ने के लिए, और दूसरा मोमिनी सबको शामिल। जरा और अंदर आ जाइए, बाहर लोग और काफी खड़े, आगे बढ़ जाइए, जरा आगे आइए, जरा थोड़ी जहमत आगे कीजिए। जितने एक दूसरे के मुस्तसिल रहेंगे तो एक दूसरे के जिस्म से जो नूरानी विलायत की शुआएं निकलेंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और आगे बढ़ जाए ताकि जो बाहर खड़े आगे आ जाए, आप अंदर आ जाए। और ये अब आप देख रहे हैं कि अहले बैत रिसालत की न की हस्तियों की अजमत जो है, कोई मजहब जितना मजहब वाले हैं वो अपने मजहबी पेशवा की इतनी तारीफ नहीं कर सकते कि जो आले मोहम्मद की तारीफ होती। ईसाई हैदरत ईसा की, हैदरत मूसा की, वो चंद वाकयात हैं, लेकिन कितने गोशे हैं फजीलत आले मोहम्मद के। हर आलिम जो आता है वो अपने अंदाज से फजीलत के गोशे निकालता है, और फजीलत की हद ही नहीं है, फजाइल की हद ही नहीं है। जब ऐसी हस्तियां हैं और जिक्र में कशिश है, तो मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये उन्हीं से मुताल्लिक की जगह है, ये अदा खाने हुसैनी है, आले मोहम्मद के जिक्र की मर्ग जगह है, तो फिर इस पर कर्ज नहीं होना चाहिए, ये जेबर कर्ज नहीं होना चाहिए। वमन युकरिदुल्लाह कर्जन हसना, अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है, कौन ऐसा है कि जो मुझे कर्ज हसना दे। तो जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे दीन को बचाने वाले हैं, जो तुम इनके नाम को, इनकी अजमतों को आम करने के लिए खर्च करोगे, वो तुम मुझे कर्जा दे रहे हो जी, और मैं कितना दूंगा हद नहीं, इजाफा इजाफा करूंगा, बरकत दूंगा। तो याद रखिए कि देने से कम नहीं होता, बढ़ता है, बरकत पैदा होती है, आफतें दूर होती हैं जी, मुसीबतें टल जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता कितनी मुसीबतें आई थी और टल गई, किस अमल की वजह से टल गई हैं। तो आफात टलती हैं, जिंदगी में बरकत पैदा होती है, ये सब इन्हीं की वजह से, खुदा कुर्बानी चाहता, याद रखिए। तो फिर मेरा इस वक्त जैसा है कि अब जो आप इस वक्त इस कर्ज जो है, मेरी दरख्वास्त यही है कि कोशिश कीजिए कि ये कर्ज जिस ऊपर जितना अदा करना है वो इसी मौसम में, इन्हीं अय्याम में ये अदा हो जाए। लिहाजा आप जाइए, जैसे आप फरमा रहे हैं कि कहिए कि जो हजरात हैं और उनको अभी दे दी, ताकि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। दुरूद पढ़े बुलंद आवाज। नारा ज्यादा लगाया कीजिए। वो जंग जब हो रही थी ना पाकिस्तान की, उसकी तो वो पैसर की जंग में तो यही था कि वो मैंने पढ़ा था, मैं वहां नहीं था तो पढ़ा था अखबारों में कि वो आया कि कुछ चंद सोल्जर जा रहे थे कश्मीर के महाज पर, और एक झाड़ी के पीछे से एक हिंदू सिपाही सोल्जर फौजी खड़ा हुआ, तो ये दो तीन जो थे पाकिस्तानी ने जौ अली का नारा लगाया, और जैसी जौ अली का नारा लगाया वो गिर पड़ा, और जब गए देखा तो वो खत्म हो चुका था। तो उस वक्त तो हर जगह अली के नारे बुलंद हो रहे थे 65 में, तो अब दुनिया ने देखा कि ये अली के नारे जो है ये तो अजीब बात है, 71 में ये नारे नहीं होंगे, और जब 71 में नारे छोड़ दिए तो दो मुल्क के दो हिस्से गर्क हो गए, बेड़ा ही गर्क हो गया, और 1,00,000 फौजियों को हथियार डालना पड़ गया। तारीख इंसानी में इसकी नजीर नहीं मिलती है, तो कुदरत दिखाती भी है जी कि तुम्हारा इनको छोड़ने का हशर क्या हो रहा है, और फिर भी नहीं समझे तो इससे बढ़कर बदबख्ती और क्या हो सकती है। सलावत बुलंद आवाज पढ़िए। सलावा
एक दो जुमले कह के गुफ्तगू आखिरी मंजिल पर, मुझे आज की बातें बहुत सारी पहुंचानी थी वो रह गई। खुदा ने कहा कि इब्राहिम इस्माइल तुम दोनों ने मेरा घर बनाया। ताहिरा दो क्लीज अलहदा टेंट होता है अरबी में। तुम दोनों मेरे घर को पाकीजा रखो, पाकीजा करो नहीं, पाकीजा रखो। तो जब वहां ताहिरा का वर्ब है और वहां पाकीजा रखने के मानी में है, तो आयत तत्हीर में भी पाकीजा रखने के मानी है, करने के नहीं जी। तो दोनों तुम इस्मत के हाथों से घर बना, दोनों हाथों कि तुम इसकी पाकीजगी की हिफाजत करो। तो हम अंदाजा लगाई वो घर कितना पाक को पाकीजा, जो नबुव्वत और इस्मत के घर हाथों से बना। तहारत की हिफाजत की जिम्मेदारी भी इस्मत और नबुव्वत की। तो जो घर इतना पाक को पाकीजा, तो जो बच्चा उस घर में आया होगा जी, वो बच्चा कितना पाक को पाकीजा हो, और आया खुदा के घर में, फिर मादर नहीं कबूल कर रहा, खुदा के घर में आया, पैगंबर आए दूसरे दिन या तीसरे, जो जैसे भी लिखा, वही ताला खुल गया। जैसे बुजुर्गों को सलाम करते, इसी तरह पैगंबर ने चची को से गुफ्तगू की, सलाम आदाब, या बेटा मोहम्मद, ये नखुराक आंखें भी बंद हैं, अंदर कोई बुत नहीं था, ये जेल में रहे खाने काबे के अंदर, जो भी थे बाहर। तो अब लीजिए, ये खुराक भी नहीं खा रहा। जैसी पैगंबर ने लिया, आंखें खोल दी, दुनिया में आने के बाद पहली जो चीज देखी तो चेहरे रिसालत की ज्यारत की। और आया किसके घर? खुदा के घर। तो जब खुदा के घर में आया तो खुदा का मेहमान हुआ। तो मेहमान अपनी खुराक नहीं खाता है, जिसका मेहमान होता है उसकी खुराक। तो खुदा तो आता नहीं है, रसूल आए, और पहली खुराक जो थी वो पैगंबर ने अपनी जबान इस बच्चे के दाह में दे दी। लुआबे रिसालत को चूसा, और चूसने के बाद पहली जबान जो खुली तो कुरान की आयत की तिलावत की कि ये कैसे हो सकता है कि बच्चा जो है कलाम करे। पहले तो कलाम करनी बड़ी बात है, आप लोग कहते हैं तो भाई अली का कमाल तो ना मत मानिए, लेकिन पैगंबर के हाथों पर कुरान पड़ा था, तो आप खुद कहते हैं कि पैगंबर के हाथों पर पत्थर आते थे तो कलमा पढ़ते थे। तो जब इन हाथों पर पत्थर आकर बोल सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं, तो खाने काबा में पैदा होने वाला बच्चा भी कुरान की तिलावत कर सकता है। बाहर आए, आने के बाद झूले में लिटाया गया, कपड़ा लपेटा गया, टंगड़ाई ली, कपड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, 7 दफा लपेटा, कपड़े के टुकड़े हो गए, आजाद छोड़ दिया। अबू जहल आया, बुतों के पांव की दस्त उसके पास थी, वो लगाता था आंखों में। जैसी करीब आया, करीब एक थप्पड़ रसीद किया इस बच्चे ने, और उसके बाद सुरमादानी वहां गिरी, वो वहां गिरी, जबड़ा पकड़ के रह गया। क्या ये कैसे हो सकता है कि बच्चा ऐसे जोर से थप्पड़ मारे? अल्लाह ने पहली जवाब दे दिया कि फिरौन के घर में एक बच्चा पहुंचा था, फिरौन ने उसे अपनी गोद में उठाया था, और जैसी चेहरा करीब ले जाने लगा, मूसा ने दाढ़ी पकड़कर एक थप्पड़ रसीद किया था, फिरौन का जबड़ा हिल गया था, कहने लगा ये वही बच्चा है जिसकी खबर दी गई है कि हलाकत है मेरी। तो अब वो मूसा खाने काबा में बैतुल मकदस में पैदा नहीं हुए थे, तो जो बाहर पैदा होने वाला बच्चा बचपन में इतना जोरदार थप्पड़ मार सकता है, तो खाने काबा में पैदा होने वाला तो वो बच्चा भी थप्पड़ मार सकता है। और उसके बाद ये है कि कहते कि अगर दांत आकर सूंघता तो पहचानता, पहचान थी वो कि ये जायज है नाजायज है, पहचान थी। आया जैसी चेहरा करीब किया, इस बच्चे ने दो उंगलियां उसके दहन में दी, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, यूं इशारा किया तो सांप दो हिस्सों में तकसीम हो गया। आए अब्दुल मुत्तलिब के पास, अब्दुल मुत्तलिब के पास, ये कैसी बात है कि इसने हमारी निशानी को जो खत्म कर दिया। तो अब पैगंबर ने कहा कि एक वक्त में दो निशानियां नहीं हुआ करती,
जब तक ये नहीं था वो पहचान था, और जब ये आया तब जायज और नाजायज की पहचान ये है। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ यही नहीं, मेरी पिछली गुफ्तगू आपको याद होगी, जुमला रह गया उसमें कि इंसान की दो शक्लें हैं, एक जाहिरी शक्ल है जो नजर आती है और एक बातनी शक्ल है। पैगंबर ने फरमाया कयामत के दिन हम तुम्हारे बशरियत के पर्दे को हटा देंगे कि तुम्हारा जो करेक्टर था, तुम्हारा जो गलत नजरिया था, उसके लिहाज से तुम्हारी शक्ल बदल जाएगी। याद होगा कि बंदर की शक्ल में खुदा ने कौम को बदला, बातनी शक्ल उनकी बंदर की हो चुकी थी। और इसी तरह जब कई किस्मों पर हैवानात की शक्ल में मेरी उम्मत के लोग कयामत दिन उठेंगे, जब हदीस मुत्तफका है तो इंसान की अपनी बातनी शक्ल जो है अगर वो सही है तो उसी शक्ल इंसानी शक्ल में उठेगा, और अगर बातनी शक्ल चेंज हो चुकी है तो कयामत के दिन ये बशरियत का पर्दा हट जाएगा, बातनी शक्ल जाहिर हो जाएगी। तो जब ये बात वाज़ह है कुरान से हदीस से कि इंसान को अपनी बातनी शक्ल भी इसी दुनिया में अच्छे अकीदे अच्छे करेक्टर से बनानी है कि ताकि कयामत दिन जब उठे तो इंसानी शक्ल में उठे। तो जब जानवरों की शक्ल में बंदर की शक्ल कुरान ने मिसाल दी, तो आप एक बात आगे बढ़ते हुए मेरे मौला ने दो अफराद के सामने फैसला किया, दो अफराद के सामने फैसला किया। जब फैसला एक के खिलाफ हुआ, जिसके खिलाफ हुआ तो उसने तौहीन के कलिमात मेरे मौला के लिए कहे, और जब अली की तौहीन की तो मेरे मौला ने कहा ऐ खसीस तरीन कुत्ते, इतना कहना था कि बशरियत का पर्दा हट गया, असली शक्ल जाहिर हो गई, इसी शक्ल में चेंज हो गया। घर दौड़ता हुआ आया और दौड़ता हुआ आया और रात में घर से मार कर भगा दिया। अब आया मेरे माला के पास, समझा, समझ रहा है जहानत है, बोल नहीं सकता है, आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, सामने खड़ा है। मेरे माला को रहम आया, इशारा किया, फिजा से लिबास आते हुए जिस्म से मुत्तसिल हो गया, इधर हुआ हो जा अपनी असल शक्ल में, फौरन इंसानी शक्ल में हो गया और कदमों पर गिर पर माफी मांगी। और उसके बाद एक लड़खड़ाता हुआ गया। तब तारीख ने इस वाक्य को नकल किया है, तवज्जो, वाक्य को नकल किया, अली और भी कह सकते थे, ये क्यों कहा? अली बताना चाहते हैं कि जो अली का दुश्मन होता है उसकी बातनी शक्ल ये होती है। तो अगर इंसानी शक्ल में उठना है तो विलायत अली का कलमा पढ़ लीजिए। आज की गुफ्तगू समेटता हूं, मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, तो मैं कर रहा था यही हस्तियां पैगंबर के बाद अहले बैत रिसालत और इन्हीं पर मुसलमान नमाज में दुरूद भेजता। किसी और की, जब मुसलमान इस मंजिल पर रसूल को नहीं छोड़ता है जी, कि जी रसूल जो है अब्दुल्ला इब्न उबई एक मुनाफिक की नमाज पढ़ना चाहते थे, मुफस्सिरीन ने तफसीर से मुझे काम है, मैं तो लिख रहा हूं, तो सब देखना पड़ता है कि पैगंबर ने कहा तो मैं तो इसकी नमाज जनाजा पढ़ूंगा, एक बुजुर्ग ने कहा कि मत पढ़िए, साहबी कहता है मत पढ़िए, रसूल कहते हैं पढ़ूंगा जी। रसूल ने पढ़ दी, कुरान की आयत नाजिल हुई उस सहाबी की फेवर में, और रसूल से खुदा ने कहा कि रसूल खबरदार मत पढ़ो नमाज किसी मुनाफिक की। तो जो रसूल को ना छोड़े तो वो किसी और को क्या छोड़ जी। तो जहां रसूल की ये मंजिल हो कि सूरह फलक और सूरह नास, ये बातें ज़हन में रहे, इसलिए मैं पहुंचाता हूं नौजवान बच्चों के ज़हन तक भी, कि लिखा है कि जादूगर थे, उन्होंने जादू किया पैगंबर पर, कुछ गिरे बाले बाल थे औरतों के और उनको गिरे दी और पत्थर नीचे 11 लिखे रख दी गए। पढ़ लीजिए जो भी तफसीर मुसलमानों की, इसमें लिखा पैगंबर पर इतना असर हुआ कि पैगंबर भूल जाते थे, नमाज पढ़ी है तो ख्याल आता था कि मैंने नहीं पढ़ी होती थी तो ख्याल आता था मैंने पढ़ ली। इस तरह फिर दो सूरतें नाजिल हुई, सूरह फलक और सूरह नास, जादू के असर को तोड़ने के लिए।
और तोड़ने के लिए, और वो जाकर वो तागा वो बाल निकालने के लिए पत्थर के नीचे जो गहराई में कहीं रखा था अमीरुल मोमिनीन को भेजा कि जाओ वो निकाल कर आओ। गिरा खोलते खोलते गए, आते पढ़ते गए, तो मुसलमान लिखते हैं कि पैगंबर पर जादू का असर हुआ, पैगंबर भूल जाते थे कि मेरा इस यहां जाना था, आजकल उस यहां, ये भूल जाते थे, तो मैंने इस वाक्य को नकल करके उसके जवाब में एक बात मुख्तसर सी लिखी उसी तफसीर में, क्या अजीब बात है कि मुसलमान पैगंबर को किस मंदिर तक पहुंचा रहा है और कुरान अजमत नबुव्वत को किस तरह वादे कर रहा है कि हजरत मूसा के हाथ में एक लकड़ी का अच्छा था, डंडा था, फिर के 70 माहिरीन जादूगर थे, उन्होंने 70 रसियां फेंकी और वो 70 रसियां शाम की सूरत में लहराती हुई नजर आ रही थी। खुदा ने कहा मूसा असा को फेंक दो, असा को फेंका, असा अजदहा बन गया और अजदहा बनने के बाद उस जादू की 70 रसियों को निगल गया। और जब मूसा ने उठाया तो न साइज में फर्क, न वेट में फर्क, कोई फर्क नहीं था। तो हजरत मूसा ने असा फेंका, उधर जादुओं की 70 रसियां थी, तो मूसा के असा पर जादू गालिब ना आ सका। मुसलमानों, जब इतना जादू मूसा की लकड़ी के डंडे पर गलबा पा नहीं सकता है, तो सैयदुल अंबिया के दिमाग पर कैसे गालिब आ सकता है? इसीलिए लिखा है, तवज्जो, इसीलिए लिखा है कि दिमाग पर गलबा हो गया, इसलिए कि पैगंबर ने आखिरी वक्त वसीयत लिखवानी थी। तो जब वहां असर हो सकता है तो फिर बुखार का भी असर हो सकता है। और पैगंबर ने कहा, अब बात आगे वादे कर दो कि इतूनी बुखारी मुस्लिम इतूनी बे कलम व किरतास इन्नी अक्तुबु लकुम किताबन लन तज़िल्लु बादी अबदा, कलम दवात लाओ मेरे पास ताकि ऐसी तहरीर लिख दूं कि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो। ये पैगंबर तवज्जो दिन रहे कि लाओ लिखने का सामान, एक तहरीर लिख दो। तो क्या कहा गया बुखारी के अंदर? सिसा गति पर वाक्या है कि दर्द का गलबा हो गया, बुखार का गलबा हो गया, हमें कुरान काफी है, यही तो कहा गया। तो आप कहते हैं कि जब ये रसूल ने कहा था तो अगर दूसरों ने नहीं दी तो अली ने क्यों नहीं पेश कर दिया कलम दवा? यही है, अली ने क्यों नहीं पेश कर दिया? लेकिन तुमने पैगंबर के कॉल पर गौर नहीं किया। पैगंबर ने कहा था कि लाओ कलम दवा लिख दो ताकि तुम गुमराह ना हो, जिनके गुमराह होने का यकीन था पैगंबर उनसे कह रहे थे। लॉजिकल गुफ्तगु बुखारी में 6-7 जगह जवाब का है, पैगंबर का लाओ लिख दो ताकि तुम गुमराह न हो। तो अब जब पैगंबर कह रहे हैं तो गुमराही का यकीन हो गया, सर्टी गारंटी हो गई जमाने रिसालत से, गुमराह होने की यकीन हो गया कि लिख दो ताकि गुमराह न हो। बस हम इतना कहते जाते कि अगर पैगंबर से लिखवा लेते तो गुमराही से बच जाते, और जब नहीं लिखवाया तो गुमराही यकीनी हो गई। जब नहीं लिखवाया तो गुमराही यकीनी हो गई, नहीं लिखवाया, लिखवा लेते तो डिफेंस कर सकते थे जी, पैगंबर से लिखवा लिया बच गए। तो जब नहीं लिखवाया, इधर पैगंबर का कौन है, गुमराही यकीनी, तुमने नहीं लिखवाया तो गुमराही यकीनी हो गई। अली ने कितने हिकमत अमली से, अगर अली पेश कर देते तो तुम फौरन ये कहते कि अली को अपनी अपनी हिदायत में अपने मामले में शक था, तो अली के मुताले कहते इनको इनको अपने मुताले, इसीलिए तो पेश कर रहे। अली ने पेश नहीं किया, अली ने कहा मुझसे नहीं कह रहे, मेरे ही तो रसूल ये कह रहे थे, यादी सुनी से सब क्या दीछे अंतर हावी बेका यह तदिल मुहतदून, अली तुम हिदायत करने वाले हो और हिदायत पाने वाला तेरी ही जरिए से हिदायत पाएगा। गुफ्तगू मैंने खत्म की कि अजीब बात है कि पैगंबर ने कहा लाओ लिख दो, तहरीर नहीं ली पैगंबर की,
जी क्या कहा? कुरान काफी है, कुरान काफी है। तो तब जब तुम्हें कुरान काफी है तुम कह रहे थे जी, तो इसका भी जवाब दे। पैगंबर ने कहा ना लिख दो, तेरी रिसालत से इनकार किया, हदीस की जरूरत नहीं, कुरान चाहते थे। और जब तुमने कहा कुरान काफी है तो बाद पैगंबर अली ने कुरान पेश किया, बाद पैगंबर अली ने कुरान पेश किया। जब अली ने कुरान पेश किया तो कहा अली से कुरान नहीं लेंगे, अली के कुरान लेने से इनकार कर दिया। तो मालूम हुआ ना तुम वहां मुखलिस थे ना यहां मुखलिस। तुमने कहा कुरान नहीं लेंगे अली के हाथ से, तो एक जुमला कह दू क्यों नहीं लिया? मुकदमे कुरान मेरा है, इसके अंदर मैंने जमात और मौजे के और कुरान और अहले बैत दिया, बाइबल एंड कुरान इसके ऊपर भी ये है, यहां है आपके जो है ये मुकदमे कुरान अबाउट कुरान। तो तुमने नहीं लिया, क्या बात थी? एक बात तरफ पहुंचा दी, मेरे मौला ने जो कुरान जमा किया था नुजूल की तरतीब के मुताबिक था, और एक खास बात थी कि जो आयत खत्म होती है जिसकी फजीलत में नाजिल हुई थी अली ने उसका नाम लिख दिया, और जिसकी लानत और तबर्रे के लिए नाजिल हुई थी मौला ने उसका भी नाम लिख दिया था। तो जिनकी तारीफ में आयतें नाजिल हुई थी, एक है पांच है दस है, उनके नाम लिख दिया अली ने, और जिनकी लानत मलामत की जो आयतें नाजिल हुई थी पांच दो दस जितने भी थे अली ने सबके नाम लिख दिए। और जब सबके नाम लिख दिए तो ये लफ्ज है कि इस ये कुरान कैसे, इसमें तो हमारी जिल्लत की बातें मौजूद है। तो अब देखा कि अगर ये कुरान आम हो गया तो फिर जितनी पलाने गए सबके सब खत्म हो जाएगी। इसलिए इस कुरान की खसूसियत ये थी अली की, हमारा यही कुरान है, याद रखिए कोई कुरान में कमी और ज्यादती नहीं है। अली का जो कुरान था नुजूल के मुताबिक था, और आयतों के अंदर जो आखिरी लफ्ज जो उसकी तशरी या मकसद और मुराद जो था अली ने उनको लिख दिया था, बस इतनी सी बात थी। और तुमने नहीं लिया, अगर अली से वो कुरान ले लेते तो फिर आज उम्मत में फिरके न बनते। और यही वजह है कि ये कुरान यही है, इसी पर हमारा ईमान है। और अली ने अपने दौर में अपने जमा किए हुए कुरान को नाफिज नहीं किया, इसलिए कि अली की जो बैत करने वाले थे अली को चौथा समझकर बैत कर रहे थे। तरावी नमाज की शुरू हुई जो रसूल के जमाने में जमात के साथ नहीं होती थी, खलीफा अकबर के दौर में जमात के साथ नहीं होती थी, दूसरे दौर में जमात के साथ शुरू हुई। अली ने मना किया कि सुन्नत जमात के साथ नहीं हो गए, तो लोगों ने फरियाद करनी शुरू की, अली का कहना नहीं माना। तो इतनी सी बात में तो अली का कहना नहीं मान रहे थे, तो अली ने उम्मत पर एहसान किया कि कुरान तो यही है, तरतीब में फर्क है और आखिर में जो मतलब है मुराद मैंने वो नाम लिख दिए। तो अगर मैं इस कुरान को जारी कर दूंगा तो उम्मत में दो कुरान होंगे, और जब दो कुरान होंगे तो एक ने कहा तुम्हारा कुरान गलत है, दूसरा कहेगा तुम्हारा कुरान गलत है, तो जो भी कुरान को गलत कहेगा वो काफिर हो जाएगा। तो अली ने अपने कुरान को महफूज रख के उम्मत को कुफर से बचा लिया। और पैगंबर ने कहा था दोनों चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान है इस रसूल बैत। मुसलमान ने कहा कुरान के हाफिज बन जाएंगे, लेकिन आपकी इत्रत और अहले बैत को नहीं छोड़ेंगे, अपने जुल्म का शिकार बनाएंगे। शहजादी दुनिया से रुखसत हुई, रोती हुई गई, अली गुस्ल दे रहे थे, जख्मी पहलू को देखा तो चीख निकल गई, तहा निकल गई। बिनत रसूल अपनी अजियत को छुपाए रहे, दिल कहता है कि जब अली ने जहरा को सुपुर्द किया था लहद के, तो कब्र से हाथ बरामद हुआ था। अली ने जहरा को हाथों के सुपुर्द किया था, ये कौन था, किसके हाथ थे? ये जहरा के बाबा थे,
जो बेटी को लेने के लिए आए थे। दिल कहता है कि जब पैगंबर के हाथों के सपुर्द किया होगा तो कहा होगा या रसूल अल्लाह अली को इस बात से शर्मिंदगी है, जब यह अमानत आपने अली के सपुर्द की थी तो पहलू सही सालिम था। हाय, यह अमानत जब वापस कर रहा है अली तो पहलू शकस्ता हो चुका है। जहरा इस तरह जख्मी दुनिया से गई और उसके बाद अली मस्जिद में शहीद हुए और हसन जहर थे। नाना के पास हसन को दफन नहीं होने दिया गया। 70 तीर आकर गिरे और फिर 10 साल के बाद करबला के सहरा में कलमा पढ़ने वालों ने भरपूर वार किया। रसूल की औलाद का बच्चा बच्चा जिबा कर डाला। 3 अपराध बचे करबला के सहरा में। 50 साल के अंदर जो नस्ल रसूल बढ़ी थी करबला के सहरा में मुसलमानों ने सबको जिबा कर दिया। 11 साल का बच्चा हसन का जख्मी लाशों के में रह गया, जिसे उठाकर ले गए, इलाज किया, सेहतमंद हुए। एक बीमार सज्जाद 4 साल के बाहर बच गए। ये 50 साल के बाद सबको खत्म करने के बाद 3 अपराध बचे और इन 3 अपराध से जब नस्ल आगे बढ़ी तो बनी अब्बास के जब दौर आया तो 550 साल का अरसा है। सादात को कत्ल किया जाता रहा, सादात कत्ल होते रहे, दीवारों में जिंदा दफन किया जाता रहा, खून से गारा बनाया जाता रहा। तो जब जो नस्ल जो नस्ल हजारों तक न पहुंचे, लाखों तक न पहुंचे, शुरू से उस नस्ल को अगर कत्ल किया जाए तो अकल कहती है कि उसका नामो निशान नहीं रह सकता है। लेकिन जिस नस्ल को शुरू से कत्ल किया गया, सदियों से कत्ल करते रहे और कोई बच्चा बच न सका, और फिर सदियों के कत्ल के बाद फिर उस नस्ल का हजारों लाखों तक फैल जाना, यह सूरह कौसर का मौजदा है। ये सूरह कौसर का मौजदा है। इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ रसूल, ये कहते हैं कि तेरी नस्ल नहीं है, ये काटते रहेंगे, मैं तेरी नस्ल को फैलाता रहूंगा, तेरी नस्ल बढ़ती रहेगी। तो अब इस तरह ये करबला के सहरा में मुसलमान ने भरपूर वार किया। अली अली की बेटियां करबला के सहरा में है। और मैंने अर्ज किया था कि करबला के सहरा में मर्दों के साथ सिर्फ नादों की कुर्बानियां मौजूद है, और करबला के सहरा में वो माए कि जिनके बेटे करबला के सहरा में साथ थे, जो शबे आजूर अपने फर्जंद को सामने बिठाकर यही ताकीद करती रही कि बेटा जब तक अपनी जान निछावर नहीं करोगे, शीर मादर माफ नहीं किया जाएगा। अरे घर की वहां की जो करीजें थी, उन करीजों की ये मंजिल है कि वादे कलबी की माँ है, जईफा है, कह रही है कि बेटा जब तक जान कुर्बान नहीं करोगे, फिर मादर माफ नहीं करूंगी। और उसके बाद जब सुबह को जाने लगा, जौजा मौजूद है, और इतना कर दूं, करबला की शहीदों में सिर्फ नाजो की शहादत की भी शिरकत है करबला के शहादा में। तो ये कलबी जवान जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, जौजा साथ थी, और जब मां ने इजाजत दी जाने लगा तो जौजा से कहा कि इजाजत है कि मैं अपनी जान कदमों पर मौला की निशावर करूं, ताकि मेरे सरताज इजाजत है, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त है? चले इमाम के पास, इसलिए कि मैं देख रही थी जो मैदान में जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता है, और जो मरता है शहीद होता है वो पैगंबर की खिदमत में पहुंचता है, अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पहुंचता है। तो वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, चले इमाम के पास आए। दोनों इमाम के पास कदमों पर गिर पड़े। जौजा ने कहा, फरजंदे रसूल, जो जा रहा है जिंदा वापस नहीं लौट रहा है, मेरा सरताज जा रहा है जन्नत की तरफ जाने की, मेरी इजाजत है मौला, लेकिन एक बात है, ये मुझसे वादा करे कि मेरे बगैर अकेला जन्नत नहीं जाएगा, और इसकी जमानत आप ले। जैसी ये कहा, इमाम की आंखों से आंसू छलक पड़े। फरमाया, ऐ जौजा बहब, मैं वादा करता हूं कि तेरे बगैर अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, मौला इजाजत है। ये कलबी जवान लड़ा, जख्मी हुआ, शहीद हुआ, जमीन पर गिरा, कातिल ने सर काट कर मत्तल से सर काट कर खैमे की तरफ फेंक दिया। जईफा मां देख रही थी, बाहर निकली, बच्चे के सर को उठाया, बोसा देकर मत्तल की तरफ फेंक चुका। कौमी अच्छी है जो राय खुदा में हदिया दिया जाता।
जाता है, वापस नहीं लिया जाता है। ये मोमिना आई आई और इमाम ने उसको अंदर पहुंचाया। रोजा बाहर आई, आकर शौहर के सर को उठाया, कि मेरे सरदार मुझे छोड़कर चले गए, अकेले छोड़कर चले गए। ये बैन कर रही थी कि एक जालिम ने आकर दुरुस्त का वार किया, शहीद हो गई। जिनमें नाजों की शहादत चौदाए करबला में शामिल हो गई। और एक और वो मंजिल है, ये तो गुलामों की मंजिल है, लेकिन वो जवान जो हम शक्ले पैगंबर है, हम शक्ले पैगंबर है, कि जब हुसैन करबला की तरफ आ रहे थे, रास्ते में एक आवाज सुनी तो मेरे मौला ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। जवान बेटे ने बढ़कर कहा, बाबा इस वक्त ये कलमा क्यों कर रहे हैं? कहा बेटा, हाथ से गैबी की आवाज आ रही है, ये काबला तो जा रहा है लेकिन मौत भी इसके साथ साथ जा रही है। बाबा अलहना हक, क्या हम हक पर नहीं? यकीन बेटा हक पर है। तो कहा बाबा, फिर हमें मौत की परवाह नहीं है, मौत की परवाह नहीं है। आशूर का सूरज बुलंद हुआ और जब सब शहीद हुए, जान बेटा हुसैन के सामने खड़ा है कि बाबा इजाजत है, इजाजत है। तो बेटा कैसे इजाजत हो, तुम हम चकले पैगंबर हो, जब नाना की ज़ियारत के शाक होता है हम तुझे देख लेते हैं। जब इसरार बढ़ा, इमाम खैमे में आए, लिबास कुछ तलब किया, इमाम ने अपना मामा इनसे पहनाया, अबा इनको दी, पैगंबर का मामा खुद पहना, पैगंबर की अबा खुद पहनी, अपने जवान बेटे को सवाल किया। तारीख कहती है ये जवान जब खैमे से बाहर निकलता था, बार बार रुक जाता था कि कोई दामन थाम लेने वाली बीवियां थी, और आखिर में जब बाहर निकला तो बाप जवान बेटे को रुख्सत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जब हुसैन आगे बढ़े, बेटा सवार हो गया, और जब मैदान की तरफ अली अकबर जा रहे थे, हुसैन पीछे पीछे जा रहे थे, आवाज सुनी तो रुक गए, बाबा को देखा, बाबा रुक जाइए। कहा कि बेटा अली अकबर जाते जाओ, लेकिन मुड़ मुड़ कर देखते जाओ, ताकि सभी पैगंबर को मैं देखता रहूं। अली अकबर मैदान में गए, लड़े, 120 मलाइन को किनार किया और वापस लौटे, प्यास की शिकायत की, और जैसी प्यास की शिकायत की, तो बेटा करीब आओ, जैसे करीब आए हुसैन ने अपनी जबान को अपने बेटे के दहन में दे दिया, जैसी जबान को बेटे के दहन में दिया, अली अकबर पीछे हट गए। तो बाबा आपकी जबान मेरी जबान से भी ज्यादा सुस्त है। एक अंगूठी उतारी और अपने बेटे के दहन में दी, बेटा जाओ, गए 80 मलाइन को पिंडार किया। जब तीर चले, अली अकबर जमीन पर गिरे, अपने बाबा को पुकारा, हुसैन उठे, मैदान की तरफ बढ़कर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? याली, माला किसानी को पुकार रहे हैं, अपने बाबा को पुकार रहे हैं, बाबा आई है, कई बाप जवान बेटे की लाश की तरफ जा रहा है, आइए मेरी रहनुमाई कीजिए। माला अपने बाबा को पुकार रहे हैं, या अपने जवान बेटे अली अकबर को पुकार रहे हैं, बेटा अली अकबर तेरी मौत से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, बताओ किधर हो। जब जवान बेटे की लाश पर हुसैन पहुंचे, देखा कि बच्ची का फल सीने में है, सीने पर हाथ रखा हुआ है। मैं कहूंगा इब्राहिम, खुदा की मोहब्बत में बेटे को लिटाया था, आंखों पर पट्टी बांधी थी, आइए करबला के खलील का इम्तिहान है। जवान बेटा खून में तड़प रहा है, तो बेटा मैं बर्ची का फल निकालू, बर्दाश्त करोगे? जब बाबा आपके साबिर का बेटा हूँ। तो बर्ची के फल को हाथ में लिया और जैसी हाथ बुलंद हुआ, जवान बेटे का लाचा जमीन से बुलंद हो गया, और सामने बाप के सामने जवान बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं कहूंगा मौला, जवान बेटे ने दम तोड़ा और हुसैन ने किस तरह जवान बेटे के लाशे को उठाया होगा, मौला इस तरह आपने उठाया होगा, बुलाया होगा अब्बास को, दूसरों को बुलाया, आओ मेरी मदद करो। मौला आप अब्बास की लाश पर पहुंचे, अली अकबर जवान बेटे के लाशे को उठाया, कयामत आपके ऊपर दर्द करता हूं, हम उठाकर आपको पुरस्कार देते रहेंगे। Down, 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 down
Ma
Thank you.
जाने से बेटा अब इन सदाओं के भी पहलू नहीं बदला क्यों रूठे हो दिल भर हाय हाय अली अकबर मजमा है टोपियों का मेरे चलने
करने की जा कोई नहीं ओ बाजारे जपा सजा मेरे सर पेरे जा कोई नहीं बाजारे जपा सजा तुम मैं जाना तो मेरे सर पेरे जा कोई नहीं लाखों तमाशाई याद के बात मेरा भाई फरियाद करूँ तुझे अब तेरे सिवा कोई नहीं ओ बाजार जपा मजमा है कूफियों का मेरे चलने की जा कोई नहीं बाजार जपा सजा मेरे सर तेरे का कोई नहीं ओ बाजार जपा सजा मैं ज़ैनब हूँ मेरे सर तेरे का कोई नहीं जात मेरे देखो ये दर्द सताता है सरगोदी का मैं अब आप तेरा चाहे सर मेरा खुला देखे हम से बड़ा कोई नहीं ओ बाजार जपा सजा मेरे सर तेरे का कोई नहीं ओ बाजार मजमा है कूफियों का मेरे चलने की जा कोई नहीं ओ बाजार जपा सजा ज़ैनब मेरे सर तेरे का कोई नहीं बाजार जपा सजा मैं ज़ैनब मेरे सर तेरे का कोई नहीं ओ बाजार बाजार सितम था ज़ैनब जब आलम मज़हर में लिखूं कैसे ज़ालिम ने कहा सितम कौन तेरा बारे कोई नहीं ओ बाजार जपा सजा मैं ज़ैनब मेरे सर तेरे का कोई नहीं जाओ से।